बीरबीर सिंह महोदय, भविष्य निधि निधि ऐसी निधि है जिसका इस्तेमाल कर्मचारियों द्वारा भविष्य के लिए किया जाता है। यह मूलतः सामाजिक सुरक्षा के लिए है। सामाजिक सुरक्षा यानी जब व्यक्ति के पास कमाई का जरिया ना हो तब उसके भरण पोषण का इंतजाम इस निधि से होता है, परंतु भारत में सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था मजबूत नहीं है। यह भविष्य निधि का इस्तेमाल व्यक्ति अपनी ज़रूरतों के मुताबिक रिटायरमेंट से पहले अपने तय उद्देश्य की पूर्ति के लिए भी करता है। हमारे यहाँ वित्तीय जागरूकता का अभाव है, इसके चलते सरकार भविष्य निधि का पैसा शेयर मार्केट में लगा रही है और कर्मचारियों का पैसा बाजार में उतार चढ़ाव के चलते डूब रहा है और उसका अपना भविष्य का पैसा उन्हें उसकी ज़रूरत पर या रिटायरमेंट पर नहीं मिलता है। ऐसा ही उदाहरण मैं सीमेंट प्रिवेंट फंड में से कर्मचारियों की 72.73 करोड़ रुपए की फंसी राशि के बारे में मंत्री से जानना चाहूँगा कि क्या यह राशि उन गरीबों सीमेंट्स को वापस हो गई है या नहीं। वे आज भी धनराशि को पाने के लिए कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे हैं। कर्मचारी भविष्य निधि कार्यालय भी ऐसा है। महोदय, मैं मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि वह किन वजह से कर्मचारियों की गाड़ी कमाई को बाजार के हवाले कर रहे हैं और पैसा डूबने पर उन कर्मचारियों के लिए पैसा वापसी के लिए क्या गारंटी है। महोदय, 2009 से अब तक ONGC में ठेकेदारों के अंतर्गत जो कर्मचारी आते हैं उन्हें उनका PF अभी तक नहीं मिला है और न ही उनको कोई ब्यौरा उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूँगा क्या इस ओर कदम उठाया जा रहा है। महोदय, कर्मचारियों की जो भविष्य निधि होती है वो उस पर अपना रिटायरमेंट के बाद सारी बातें सोचता है और उसकी निधि को जब शेयर बाजार में या दूसरे मदों में खर्च किया जाता है और जब फंस जाती है तो उसको लेने में उसको बड़ी परेशानी पड़ती है और उसके बाद भी वो कार्यालय के चक्कर काटता रहता है। तो ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिससे उसको परेशानी ना पड़े और अपने पैसे को ठीक प्रकार से अपने रिटायरमेंट के बाद वो ठीक प्रकार से लगा सके और अपना अच्छा जीवन व्यतीत कर सके। यही मैं जानकारी चाहूँगा। धन्यवाद। थैंक यू।